हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और गुड़िया नहा ली है तो इसने बोला कि मेरा बाल काट दो। और कई दिन से ये पीछे पड़ी हुई थी कि मेरा बाल काट दो, मेरा बाल काट दो। तो मैं टाल ही रही थी कि ये ना कटवाए, थोड़ा थोड़ा छाट देती। तो पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा छाटे थे, लेकिन फिर बोली कि नहीं, मुझे और छोटा रखना है और काट दो। और मेरा काटने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अभी मैं जल्दी में ही नीचे का सेट की थी और आप देख सकते हैं कि बाल जो है छोटा बड़ा भी नहीं है और अच्छा बाल है। तो जब छोटे थे तो बोलते थे कि मम्मी मुझे आपके बराबर बाल रखने हैं, मुझे खूब लंबे बाल रखने हैं। अभी जब थोड़ा बड़ा हो गया है तो फिर अब बोलती है कि मेरा छोटा कर दो। तो पहले तो मैं सोची कि मैं थोड़ा थोड़ा काट देती हूँ और ये मान जाएगी। तो जब काटती और फिर देखी तो बोले कि नहीं, मुझे और छोटा रखना है। तब मुझे गुस्सा लग रही थी और मैं इसको डांट भी रही थी। और मेरा जैसे इतने बड़े बाल हैं तो फिर काटने का नहीं मन करता। तो फिर ये होता है ना कि जो चीज़ अपने पास होती है उसको लोग एंजॉय नहीं करते हैं, और जो चीज़ नहीं रहती बस उसके लिए दौड़ते हैं। जब इसके बाल छोटे थे तब डेली दिन भर में 2 बार नापती थी, मम्मी मेरे बाल कहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गए। तो अभी जब बड़े हो गए हैं ना तो अब छोटा करने के पीछे लग गई है कि नहीं, मुझे बड़े बाल नहीं रखने हैं, मुझे छोटा रखना है। तो यहाँ पे मैं काट दी हूँ और मुझे एक साइड का थोड़ा बड़ा लग रहा था, थोड़ा छोटा लग रहा था, तो ये थोड़ा तिरछा बैठी थी। वैसे तो बराबर कर दी थी मैं, और ऊपर से फिर अभी देखिएगा ये कैसे करती है। तो इसकी नौटंकी देखिए ना, छुके देख रही है और अभी बोलेगी कि नहीं मेरा और काटो। तो मैं मना ही कर रही थी, तो देखिए ना कैसे कर रही है, बोलती है नहीं और छोटा करो। तब मुझे गुस्सा लग रही थी, मेरा तो मन कर रहा था कि कान के बराबर काट दूँ, लेकिन फिर मना करने के बाद भी फिर देखिए ना मेरी दूसरी बेटी आ गई और बोलती है कि नहीं, हाथ पकड़ पकड़ के बोल रही कि और छोटा करो और छोटा करो। तो मेरी दूसरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी एकदम कान के बराबर कर दो। तो बोल रही थी नहीं, मुझे कान के बराबर नहीं रखना है, मुझे बस थोड़ा और छोटा कर दो। तो मुझे भी गुस्सा लगी उस समय, बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही थी बाल काटते समय। तो देखिए हाथ पकड़ पकड़ के खींच रही है कि नहीं मेरा काट दो काट दो, नहीं अपने से ही काट लूँगी मैं। तो फिर मैं काट दी और छोटा कर दी। तब वो रोने लगी थी और फिर मुझे काटना ही पड़ा। तो मैं थोड़ा ऊपर से ज़्यादा काट दे तो बोले ठीक है, और तो अपने पापा को दिखाई, बोली पापा देखिए मेरा बाल कट गया, मैं कैसी लग रही हूँ। उनको तो ऐसा है कि कोई कुछ भी कर ले तो भी उनको सब चीज़ अच्छा लगता है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा बाल क्यों काटी हो, ऐसा क्यों रखी हो। लेकिन मेरा ही मन नहीं करता है बड़े बाल काटने को, या तो बढ़ाओ नहीं और बढ़ा लो तो फिर काटो नहीं, फिर काटने का नहीं मन करता है, ऐसा होता है ना। और मैं कपड़े भी डाल दी थी, सुबह मैं मशीन चलाई हुई थी, वॉशिंग मशीन चलाई थी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और ठंडी भी है, धूप भी नहीं आती है, तो मैं बालकनी में पूरा डाल दी हूँ कपड़े। आप देख सकते हैं सामने भी कपड़े टंगे हैं। तो मैं इसका बाल बालकनी में ही काट रही हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। आप मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम उतना ही ज़्यादा ऊपर उठेंगे। तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।
और आप लोग बताइएगा आपके यहाँ ठंडी कैसे पड़ रही है। मेरे यहाँ तो ठंडी खूब पड़ने लगी है और ये गलन वाली ठंडी है, तो जहाँ भी हाथ पैर खुले रहते हैं तो ये ठंडी चुभने वाली है तो चुभती है। और आप लोग साड़ी का ब्लॉग पसंद करते हैं तो थोड़ा साड़ी पहनना मुश्किल हो जाता है आजकल, और छोटा सा दिन होता है तो काम भी करने में थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। और फिर साड़ी पहनिए, तैयार होइए, तब ब्लॉग बनाइए। और ज़्यादा लोग साड़ी का ही ब्लॉग पसंद करते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा साड़ी का ही बनाती हूँ, बस कभी कभी नहीं मन करता है। और ठंडी भी हो गई है, थोड़ा आलस भी लगता है, लेकिन जब काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो लेकिन काम तो ज़रूरी है। सब चीज़ पीछे है, काम आगे है। अभी बाल मुझे थोड़ा इसका छोटा बड़ा लग रहा है तो मैं उसको सेट कर दूँगी। और मुझे मार्केट भी जाना है तो अभी नहाना भी है, और ये लोग नहा चुके हैं, बस हमें हैं। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट और सुबह के बज रहे हैं 10। और आप लोग को दिखा देती हूँ, ये शिवपुर का चूड़ी मार्केट है और पूरा यहाँ चूड़ी मार्केट अलग से है, तो वहाँ पे आपको चूड़ी कंगन ये सब मिल जाएंगे। बस जिधर देखेंगे ना आपको चूड़ी कंगन ही नज़र आएगा। तो मैं यहाँ दुकान पे क्लेचर वगैरह ले रही हूँ और बच्चों के कुछ सामान लेने थे और कान के कुछ लिए थे, और मैं जो ख़रीदी हूँ उसको आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता तो इसलिए मैं नहीं ऐड की हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली गली है, ये बहुत ज़्यादा पतली है। तो अगर दोनों साइड से दो लोग खड़े हो जाते हैं ना तो बीच से निकलने की जगह नहीं रहती है। और थोड़ा कोरोना है तो फिर अपने आप को बचा के भी रखना है। और हम लोग यहाँ के नए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दुकान भी नहीं पता है। और जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो लोग खड़े होके मुझे ही देख रहे थे कि वीडियो बना रही हैं, तो मैं किसी की साइड में नहीं देखी, मैं अपना काम करती गई। तो जो दुकान वाले भैया हैं वही हम लोग को दुकान दिखा रहे थे। और यहाँ पे मुझे कई सामान लेना था, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ एक दुकान पे जो अगल बगल दुकान है तो उसी पे मिल जाएगा। यहाँ अगर सुई धागा लेना है तो अलग दुकान है, और अस्तर फाल लेना है तो फिर दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। और लेस की दुकान है तो पूरा लेस ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दुकानें हैं, सब चीज़ की अलग अलग दुकान है तो ढूंढना पड़ता है। और मैंने सारा सामान ले लिया है और आप लोग को बोलती हूँ बाय बाय, मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ।